बात करते हैं फोर्थ स्टार की, चौथा पॉइंट है कि प्रोडक्ट की जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से नोट करिएगा। मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे कस्टमर्स को जब हैंडल करते हैं, क्योंकि अपना काम ही है कस्टमर हैंडलिंग का, कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया तरीके से किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। तो बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्रोडक्ट की जानकारी। पहले जैसा हमने आपको बताया था, अभी आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो केवल दो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लैपटॉप और एलईडी। अब प्रोडक्ट की जानकारी के अंदर जब कस्टमर्स आपके पास आएगा, मैं पहली बात करता हूं लैपटॉप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब कस्टमर को अपन बताते हैं तो उन्हें बताना है कि महेंद्र सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप तीन तरह के होते हैं। पहला लैपटॉप आता है नया लैपटॉप, रिपीट करना चाहूंगा, आपको बताना है पहला लैपटॉप आता है नया, और उस नए के बारे में बताना है, नए के बारे में बताना है कि सर नए लैपटॉप की बात करें तो नया लैपटॉप सर आज अगर आप i5 करते हैं तो 40,000 50,000 60,000 तक के आसपास आता है, हर किसी के बजट में नहीं होता इतना महंगा लैपटॉप परचेज करना। सर आज मिडिल क्लास पर्सन, हर पर्सन अपने घर के लिए लैपटॉप लेना चाह रहा है, किसी को डेटा एंट्री के लिए, किसी को ऑफिस यूज के लिए, किसी को स्टडी पर्पज के लिए, किसी को वर्क फ्रॉम, हर पर्सन को रिक्वायरमेंट आज नीड बन चुका है, इंडिया के घर घर की डिमांड हो चुका है। बट सर बजट नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता, कस्टमर को कनेक्ट करना है ताकि वो कस्टमर आपसे कनेक्ट हो सके, लास्ट में वो आपसे डील फाइनल कर सके। सेकंड उसे बात करना, सर जब इतना महंगा लैपटॉप परचेज नहीं कर पाते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, दूसरे तरफ का लैपटॉप लेते हैं जिसे बोलते हैं सेकंड हैंड लैपटॉप। सेकंड हैंड लैपटॉप के बारे में अब बताना है फ्रेंड्स, नया लैपटॉप और नए के बारे में बताना है, सेकंड हैंड है और सेकंड हैंड के बारे में बताना है। उन्हें ऐसे बताना रहेगा, मैंने सर अगर सेकंड हैंड लैपटॉप की बात करें तो सेकंड हैंड लैपटॉप का मतलब होता है किसी ने 8 से 10 साल चलाया होता है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है, हार्ड डिस्क खराब है, बैटरी खराब है, रैम खराब है, स्क्रीन खराब है, मदरबोर्ड में है, कहीं ना कुछ रिपेयरिंग कराया तो कुछ ना कुछ सर दिक्कत होती है, तभी वो उसे सेल करते हैं। और सेल कहां करते हैं, या तो वो किसी दुकानदार को दे देंगे, दुकानदार उसको रिपेयरिंग करके सेल करता है, या वो उसे ओएलएक्स पे सेल आउट कर देंगे, या कोई मिलने वाला अपने मिलने वाले को दे देता है। पर जब सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद लेते हैं ना महेंद्र सर, तो ऐसा लगता है मेरा सारा पैसा वेस्ट हो गया, कस्टमर को ऐसा लगता है मेरा सारा पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो प्रॉब्लम होती है, उसे लगता है मैंने जिस काम के लिए लिया था वो मेरा काम नहीं हो पाया। इस तरह के साथ उस कस्टमर को स्टोरी बिल्ड करनी, उसे बताना है कनेक्ट करके। तो सर मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी, लाखों कस्टमर्स की ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हमारी कंपनी ने सोल्व आउट किया। तीसरे तरह का लैपटॉप देखे, जैसे हमने आपको पहले बताया सर हम लोग केवल डीलर का वर्क करते हैं, तीसरे तरह के लैपटॉप की बात करें जिसे बोलते हैं सर रिफर्बिश्ड लैपटॉप। रिफर्बिश्ड लैपटॉप का मतलब होता है कि सर जितनी भी कंपनीज होती है वो लैपटॉप जो बनाती है वो एक साथ क्वांटिटी में बना देती है और मल्टीनेशनल कंपनियों को देती है, तो हर 3-4 महीने 6 महीने वो मॉडल चेंज हो जाते हैं, उनके एम्प्लॉइज ने उनको टेस्ट किया होता, चलाया होता है, किसी ने पर्सनली घर पे ले जाके या ऑफिस में ले जाके या दुकान में ले जाके या रफली यूज नहीं किया होता है, कंपनी के एम्प्लॉइज ने उसे चलाया होता है। तो सर ये जो लैपटॉप होते हैं स्टॉक का माल भी कहते हैं, जो मॉडल पुराना हो जाने की वजह से हर बार मॉडल चेंज हो जाता है, उसके बाद जितनी कंपनी स्टॉक बनाती है उनके स्टॉक में ऐसा क्वांटिटी में रह जाता है, इसे बोलते हैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप। तो सर जहां आप सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज कर रहे ना, उस सेकंड हैंड से लाख गुना बढ़िया लैपटॉप होते हैं, जैसा आप ये देख पा रहे हो वीडियो में, सेकंड हैंड से लाख गुना बढ़िया लैपटॉप होते हैं, और एक पीस भी आपको हमारे यहां से सर डीलर रेट में, फैक्ट्री रेट में मिल जाएगा, बहुत कम मार्जिन में। आज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्वांटिटी में सेल करते हैं, पर मिडिल क्लास पर्सन की उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमारी कंपनी ने पकड़ा, तो एक पीस भी आपको डीलर रेट में हमारे यहां से मिल जाएगा। लाखों कस्टमर आज हमारे साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स, रीजन की मार्केट की इस प्रॉब्लम को केवल हमारी कंपनी ने सॉल्व आउट किया है। अब उसे बताना रहता है कि सर ये लैपटॉप जो होता है ये नया नहीं होता है, वापस दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, कस्टमर को बताना है कि महेंद्र सर ये लैपटॉप नया नहीं है, जहां आप सेकंड हैंड ले रहे हैं उस सेकंड हैंड से लाख गुना बढ़िया कंडीशन में लैपटॉप होता है, आप जिस पर्पज से लेना चाह रहे हैं उसके लिए जबरदस्त ये सर्विस देने वाला और लैपटॉप, आपकी बात करने की टेक्निक कितनी बढ़िया फ्रेंड्स, सारा चीज है आपकी वॉइस का कॉन्फिडेंस, आपका दम बात करने का, आप में कितना टैलेंट, आपका ड्रेस कोड कैसा, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा, सारी टेक्निक्स इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। पूरी ट्रेनिंग जो है ये पूरा कॉन्फिडेंस के ऊपर, जितना बढ़िया तरीके से आप इसे सीखेंगे उतना बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और आप हमारे यहां सेलेक्ट हो पाएंगे। रीजन लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ये ट्रेनिंग हमने बनाई इसलिए कि हर पर्सन इसे नोट करता है, पेपर पे लिखे, आप केवल सुने नहीं, लिखे पेपर पे, लिखे नोट करें, दोबारा रिपीट करें, आप
जैसा हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से अपने स्किल्स में लेकर आए, बात अपनी जुबान पर चढ़ाए, बात करने में उसको इंप्लीमेंट करें। जितना बढ़िया आप सीख जाएंगे आपको कहीं इतनी बढ़िया नॉलेज और इतना बढ़िया, हर समय अगर आप अपने करियर को ग्रोथ करना चाह रहे हैं इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। जितना हमने बताया कंपनी का खुद का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ISO सर्टिफाइड कंपनी, उसके अलावा इंडिया मार्ट से ट्रस्टेड सप्लायर रजिस्टर्ड, जैसा आप सर्टिफिकेट देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ MHRD से रजिस्टर्ड है, राजस्थान गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, ये सारे सर्टिफिकेशन आप देख रहे होंगे जो कंपनी ने लिए। लाखों लोग अपना करियर बना, अगर आप चाहते हैं बढ़िया करियर बनाना, अच्छी स्टेटस चाहना और अच्छी सैलरी स्टेटस, कोई काम नहीं फ्रेंड्स। आज मार्केट में 50 तरह की जॉब्स होती है, कहीं ऑफिस में जाना, इधर उधर का काम करना, कहीं ये पार्सल वगैरह, ये ना, सारा व्हाइट कॉलर जॉब है। आपका टैलेंट और आई चीज होती है, पूरी स्किल्स हम प्रोवाइड करेंगे, आपका पूरा करियर हमारी कंपनी बिल्ड करेगी, बट आपने उतना जरूर और जिद होनी चाहिए इस काम को करने। आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट ट्रेनिंग की, जो पांचवा 5-स्टार पॉइंट्स है। आपको कैसा लग रहा होगा जैसे हम आपको पूरा ट्रेनिंग नोट कर रहे हैं? फ्रेंड्स दोबारा आपको बोलूंगा, जब तक आपको ये ट्रेनिंग समझ नहीं आएगी, जब तक आप नोट नहीं करेंगे, नोट नहीं बनाएंगे, दोबारा इसको 4 बार रिपीट करके देखें। इसी तरह से कस्टमर से बात करना, न्यू कस्टमर से कम 10 से 15 मिनट का फर्स्ट टॉक टाइम 15 मिनट के आसपास का कस्टमर्स को आपको देना होगा, जिससे कस्टमर आपसे कनेक्ट हो पाए। आइए बात करते हैं पांचवे वाले पॉइंट्स की, जो बहुत जबरदस्त पॉइंट होने वाला है। अब फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ट्रेनिंग का सेशन? ये जो आपने अभी तक की 4 स्टार आपने देखे होंगे कि एक एक चीज आपको हमने बताई थी, जो एक्सपीरियंस बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्गत 2 साल 5 साल काम करने के बाद आता है, आप हमारी कंपनी के अंतर्गत उस एक्सपीरियंस को 3 से 6 महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पांचवे वाले पॉइंट की, जब आपने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड स्टार, 4 स्टार के बाद 5 स्टार जो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स को ट्रस्ट नहीं होगा कि सर मैं कैसे ऑर्डर कर दूं, कहीं मेरा पैसा लेके चले गए तो, कहीं मेरा प्रोडक्ट नहीं आया तो, ये सारे को बोलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्शन तभी आते हैं जब आपने इस 7 स्टार की ट्रेनिंग को फॉलो अप नहीं किया, इसको रट लेना पूरा पूरा दिमाग में, जुबान पे, हर जगह चढ़ा लेना होता है इसको। जब आपको इस तरह से बोलना आ जाएगा तो आप कस्टमर को फटाफट तरीके से बहुत कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा सैलरी स्टेटस यहां से उठा। इससे बढ़िया जॉब और इससे बढ़िया काम आज तक मैंने लाइफ में नहीं देखा। हजारों तरह के डिफिकल्ट काम होते हैं, इससे बढ़िया टैलेंटेड काम कहीं नहीं मिल पाएगा। आज बहुत सारे लोग, कोई उड़ीसा से अप्लाई कर रहा है, कोई महाराष्ट्र से, कोई केरला से, कोई जयपुर से, कोई इधर से, दिल्ली से, लाखों लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर रिज्यूम से अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, बट हमारी कंपनी में वो डेडिकेटेड बंदों की जरूरत है जो इंडिया को बदल सके। मिडिल क्लास पर्सन के लिए हमने एक मुहिम चला रखी, पूरे जो डेडिकेशन तरीके से रख सके मिडिल क्लास पर्सन को, आज हर एक प्रोडक्ट सीधा फैक्ट्री रेट से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत जबरदस्त काम है, बहुत डेडिकेशन के साथ। आइए बात करते हैं पांच वाले पॉइंट की। पांच वाला पॉइंट जैसे मैंने बताया कि पूरा काम है कस्टमर्स को वीडियो कॉल पे कंपनी दिखाना और उनको प्रोडक्ट की जानकारी देना। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वीडियो कॉल के लिए अपने सीनियर को साथ में ले सकते हैं, और अगर ऑफिस में रहकर काम कर रहे हैं तो यहां से दिखा सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप पे कस्टमर को क्या क्या डिटेल भेजनी होती है और कैसे भेजनी होती है वो मैं बताता हूं। फिर देखिएगा, अगर आपके पास लैपटॉप के लिए अगर कोई कस्टमर की इंक्वायरी आती है तो पहला रूल नोट करिएगा, पहला रूल आपको बल्क क्वांटिटी के फोटो भेजने हैं। जैसा आप यहां देख पा रहे हो पूरे क्वांटिटी के, ऐसे 4 या 5 फोटो आपके प्रोडक्ट किट में आपको मिलेंगे। ये प्रोडक्ट किट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में हमारी कंपनी आपको पहले से प्रोवाइड करके देगी। इस तरह से आपको क्वांटिटी के 4 या 5 फोटो भेजने हैं पहला। उसके बाद वीडियो भेजना है क्वांटिटी वाला, यहां तक क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, अगर लैपटॉप की बात करें तो आपको हमारी कंपनी में डेली अलग अलग मॉडल आता है। जैसे बात करें डेल की बात करें 6410 मॉडल है, 5510 है, 6420 है, 5530 है, अलग अलग मॉडल आएंगे। इसी तरह से एचपी में बात करें 6550 मॉडल नंबर है, 8440 है, 6460 है, और अगर Go2Do की बात करें डेल 6500 मॉडल है, C2D, इस तरह के अलग अलग मॉडल्स आपको मिलेंगे और इस तरह का पूरा फोल्डर आपको मिलेगा जहां ये मॉडल आपको ये सारे फोटो भेजने हैं, इनके वीडियो भेजने हैं और इनकी डिटेल भेजनी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, पहले बल्क क्वांटिटी के फोटो और वीडियो भेजने हैं पहला स्टेप।
दूसरा जितना प्रोडक्ट है उन सभी की फोटो डिटेल और वीडियो आपको भेजिए, कस्टमर को चॉइस देनी है कि सर आप ये यहां से ले सकते हैं। अब बात करते हैं भेजने के बाद कस्टमर जब ये सारी चीज को देख लेता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कस्टमर्स को कंपनी विजिट कराना। जैसे आपको मैं लाइव दिखाता हूं कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं एक कस्टमर्स को कंपनी पूरा विजिट करा रहे हैं। आपने देखा होगा इस तरह से पूरा कस्टमर को कंपनी विजिट कराई जाती है ताकि कस्टमर को पूरा ट्रस्ट हो। अगर अभी भी कस्टमर बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उस कस्टमर्स का ब्रॉडकास्ट बनाना होता है आज की डेट डाल के। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, पहले कस्टमर अपना नंबर सेव करेगा और ब्रॉडकास्ट में जब उसको सेव करने के बाद कस्टमर को जब अपन मैसेज भेजेंगे तो उसको इंडिविजुअल मैसेज आएगा। ये रामबाण इलाज है, इसे करना ही करना है। ब्रॉडकास्ट बनाना, लिख लीजिए, ब्रॉडकास्ट बनाना ही बनाना है। क्योंकि अगर आपके ब्रॉडकास्ट के अंतर्गत 2000 कस्टमर्स है तो एक मैसेज से 2000 कस्टमर्स तक आपकी बात पहुंच रही है, आपकी पाइपलाइन बनती, इसी से रिजल्ट आता है, पूरा पाइपलाइन इसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं सब प्रोडक्ट डिटेल आपने भेज दी, कस्टमर ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, तो अब आपको भेजना होता है कि उसको दो पार्ट में डालना है, फाइनल कस्टमर था या रेगुलर कस्टमर था या कंटिन्यू कस्टमर था। अगर फाइनल कस्टमर है तो उसको हर घंटे दो घंटे में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना। आप देखिए जो कंपनी के अंदर पेमेंट आ रहा, ग्रुप के अंतर्गत वर्क ग्रुप में जो पेमेंट आता है, कस्टमर्स का आधार कार्ड आता है, ये उस कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए ये भेजना होता है। और लास्ट में उसे भेजना होता है माल डिस्पेस जो होता है उसका वीडियो, कस्टमर के फीडबैक के वीडियो। आप इसे लिखिएगा, दोबारा रिपीट करें। कंपनी को विजिट कराने का तरीका मैंने आपको बताया, और अगर इसी तरह से एलईडी का हो तो अपने पास जो एलईडी की साइज होती है 32 इंची एलईडी टीवी, 40 इंची, 50 इंची, पहले सेम दोबारा वही रिपीट, पहले बल्क क्वांटिटी का आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, बल्क क्वांटिटी की फोटो और बल्क क्वांटिटी का वीडियो, या आपको कस्टमर्स को भेजना है वो अगर एलईडी के लिए आता है। उसके बाद 40 इंची, 50 इंची, 32 इंची के फोटो डिटेल और वीडियो ये उनको व्हाट्सएप पे भेजना होता है अगर वो एलईडी टीवी के लिए आया है तो। या आप नोट करेगा क्योंकि इससे से आपका कस्टमर बेस बनेगा। हम जो दोबारा आपसे टेस्ट लेंगे उसमें ये सारी चीज हम इसी तरह से आपसे पूछेंगे जैसा हमने आपको बताया। आप इसको देखिए, रटिए, उसको लिखिए, तो आपको उसको समझ आएगा कि कस्टमर को कैसे कनेक्ट करते हैं। एक स्क्रिप्ट होती है, एक ट्रेनिंग होती है जिसके बिहाफ पे कस्टमर आता है। आप जब अगर ऑफिस में है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सारे बंदे बात ही तो कर रहे हैं, फ्रेंड्स बात नहीं कर रहे, ये सारा खेल ट्रेनिंग का है। जितना बढ़िया ट्रेनिंग आपने ली है, जितनी बढ़िया ट्रेनिंग आपने लिखी है, उतना ही बढ़िया आप इंप्लीमेंट कर। हो चुका है 5 स्टार तक की ट्रेनिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये ट्रेनिंग को आपको बहुत अच्छी तरीके से बार बार घुमा के देखना है, बार बार 7 स्टार आपके दिमाग में बिठा लीजिए, 7 स्टार। कस्टमर से जो बात करनी है वो इसी तरीके से बात करनी है। आपको लगेगा कि सारे बंदे तो बात कर रहे हैं, एक ही जैसे तो बात कर रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स, एक जैसे बात नहीं हो रही है, ये सारा खेल है ट्रेनिंग का। जितना बढ़िया तरीके से आप इसे रख लेंगे, जितना बढ़िया तरीके से आप उसको एक्सप्लेन, बहुत सारे कैंडिडेट हमने देखे हैं जो बोल ही नहीं पाते, जो बात ही नहीं कर पाते, जो कस्टमर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, जो अभी तक ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, जॉब ही नहीं करी हुई है 12th पास, पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखे जो 12th पास होते हैं, धड़ाधड़ तरीके से कस्टमर को कन्विंस कर सकते, कन्विंसिंग पावर, सेलिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त है। आज आप इस ट्रेनिंग को इस तरह से लेके जाइएगा कि कितना बढ़िया तरीके से मैं अपने आपको निखार सकता हूं, अपना करियर बना सकता हूं। फ्रेंड्स सैलरी इतनी मिलेगी, पैसा इतना मिलेगा कि थक जाओगे गिनते गिनते, पर यह ट्रेनिंग और ये काम बहुत जबरदस्त तरीका है। ये जो पांचों पॉइंट थे, इस 5 पॉइंट के बाद अब पॉइंट आता है छठा पॉइंट। या फ्रेंड्स अगर आपने इन 5 पॉइंट को बढ़िया तरीके से समझ लिया और कस्टमर को समझाने लायक हो चुके, तो 6th पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं, जिसकी ट्रेनिंग बहुत होना जरूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट हमें बोलते हैं कि सर कस्टमर हमें ऐसा बोल रहा है, कस्टमर हमें ऐसा बोल रहा है, कस्टमर ये आंसर कर रहा, कस्टमर ये कर। आपके पास वो स्किल्स आनी चाहिए, आपको वो टेक्निक आनी चाहिए जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये सारा खेल है ट्रेनिंग का, कितना बढ़िया तरीके से आप इसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, कस्टमर के सवाल के जवाब को आप देते हैं, ये सारा खेल उसमें। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल मैडम को साथ में लेने वाला हूं और वो सवाल पूछने वाले हैं,
हम हर सवाल का जिस तरह से कस्टमर से बात करते हैं वो आपको जवाब देने वाले हैं इस कस्टमर ऑब्जेक्शन में। दोबारा रिपीट करूंगा, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे बढ़िया ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहां कंपनी आपको अपॉइंट भी करती है, ट्रेनिंग में देती है, डेली डेवलपमेंट होता है, डेली डेवलपमेंट में आप अपने आप को खुद को डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको डेली मिले, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और करियर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन होंगे सारे लिखेंगे और आज से ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, किसी तरह का एक महीना दो महीने की रिक्वायरमेंट नहीं, फर्स्ट डे की ट्रेनिंग से आप ये सारे पॉइंट्स सीखने के बाद अपना यहां कंपनी के अंदर अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मैडम के साथ, मैडम के सारे क्वेश्चंस होंगे जो कस्टमर्स पूछने वाले हैं और सारे जवाब मैं देने वाला हूं कि कैसे आप कस्टमर्स को बढ़िया तरीके से हैंडल करने वाले हैं।